देख लेते हैं पहली खबर। लोकसभा चुनाव में नेताओं की तरफ से बयानबाजी जारी है। कुछ नेता जो है ओछे बयान पर उतर आए हैं तो कुछ नेताओं की जुबान फिसलती जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और आरआर बंसल ने विवादित बयान दिया है। बंसल ने कार्यकर्ताओं को वोटरों से पर्ची लाकर खुद वोट डालने की नसीहत दी। बंसल ने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि गांवों में जाएं, जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं उनसे पर्ची लें और पर्ची लाकर वोट डालें। एसपी नेता द्वारा दिए गए इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। काफी लोग वोट डालने नहीं जाते तो ये हमारे मतदाताओं का ये प्रेरणा दे रहा हूँ। ये मतदाता ये हमारे कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि गांव में जाए जो वो जो जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं उनसे पर्ची ले आए और पर्ची ले आकर अपने वोट डालो। हमारा वो जो जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं उनसे पर्ची ले आए और पर्ची ले आकर अपने वोट डालो। हमारा वो समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त मीटिंग में मेरे द्वारा कार्यकर्ताओं को अनुरोध किया गया है कि अपने अपने मतदान केंद्र पर जो मतदाता बंधु हैं उनको सम्मान पूर्वक पर्ची के साथ ला करके मतदान करवाएं और जो मतदाता असहाय हैं, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, बीमार हैं, जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको सुविधा अनुसार वहां तक पहुंचा करके पर्ची के साथ ले जा करके उनको मतदान कराने के लिए प्रेरित करें, उनका मतदान करवाएं जिससे 100% मतदान हो और लोकतंत्र मजबूत हो। ऐसा मेरे द्वारा बताया गया है और जो वीडियो बताया जा रहा है वो आधा अधूरा बताया जा रहा है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, छतरपुर की है जहां पर एसपी नेता समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा कार्यकर्ताओं को नसीहत दी जा रही है कि जो मतदाता हैं वोट डालने नहीं आते हैं उनको उनसे पर्ची लेकर उनके वोट डाले जाए। चलिए हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं रणधीर परमार जी। रणधीर जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर फर्जी मतदान करने की नसीहत देते नजर आए नेताजी, क्या कुछ मामला है? बिल्कुल निशांत, ये कल का मामला है। कल बिजावर में बीएसपी प्रत्याशी बंसल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए अपनी बातों के बीचों बीच ये कह डाला कि आप कार्यकर्ताओं को ये काम करना है कि जो लोग वोट डालने नहीं आ पाते हैं वो उनकी पर्ची लाएं और वोट डालें, ये आपका कर्तव्य बनता है पार्टी और मेरे लिए। हालांकि बाद में बंसल जी अपनी बात से मुकरते नजर आए और उन्होंने कहा कि हमारी बात को मीडिया के समक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके बारे में जब हमारी अपर कलेक्टर से बात हुई तो अपर कलेक्टर का कहना था कि वीडियो के माध्यम से निश्चित तौर पर जांच कराई जाएगी वीडियो की, और अगर प्रत्याशी गलत पाए जाते हैं तो चुनाव आयुक्त के द्वारा कार्रवाई भी कराई जाएगी। जी, यहाँ पर अगर बात की जाए तो चुनावी माहौल में जो तमाम नेता हैं, कहीं नेताजी की जवान फिसलती है, कहीं नेताजी के बोल बिगड़ जाते हैं, और इस तरीके से एक और फिर मामला जो है एसपी नेताजी के बिगड़े बोल जो है सामने आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि हड़बड़ाहट है नेताओं में कि लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से जीत हासिल की जाए उसको लेकर कुछ भी बोल जाते हैं? बिल्कुल निशांत, ये इससे हड़बड़ाहट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि ये प्रत्याशी बंसल की बेवकूफी है जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये सलाह दे डाली, ये नसीहत दे डाली। इससे चुनाव में फर्क पड़ेगा, निश्चित तौर पर उनके वोटों पे भी फर्क पड़ेगा। जिसकी चुनाव के पहले ये सोच है उसकी आगे चलकर क्या सोच रहेगी, और इन तमाम चीजों को देखते हुए जिले भर में टीकमगढ़ लोकसभा सीट में ये चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय, और निश्चित तौर पर इससे आगे चलकर इनको नुकसान भी होगा और अब उन्हें जवाब देना भी मुश्किल पड़ रहा है, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, चाहे कलेक्टर साहब का, चाहे कलेक्टर जी की बात हो या कहीं की भी बात हो, या फिर उन्हें अपनी पार्टी को भी जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। उनका कहना है उनका कहना है कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि बंसल जी ये कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि जो भी व्यक्ति अपना वोट डालने नहीं आ पाता है तो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि जाएं, पर्ची लाएं और वोट डालें। इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि फर्जी वोट डालने की वो बात कह रहे हैं। हालांकि जब मीडिया से उनका रूबरू हुआ तो उनका कहना ये जरूर है कि हमारी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि वो अपनी बात में क्या कह रहे हैं। अब आगे चुनाव आयोग के पास ये मामला पहुंच चुका है और जांच के बाद निश्चित ही तौर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है अपर कलेक्टर के द्वारा।
जी निशान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर तमाम ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको छतरपुर से खबर बता रहे जहां पर एसपी नेता के बिगड़े बोल नजर आए हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा कि जो वोटर्स वोट डालने नहीं जाते उनकी पर्ची लाकर वोट डाले जाएं।